कैसे धूमधाम से मेहंदी की है, ऐसी गहमा गहमी, ऐसे मेहमान, ऐसे खाने, ऐसी मेहंदी तो मैंने कभी देखी नहीं थी। वो सब तो ठीक है अम्मा, मगर लड़के वाले कुछ बुझे बुझे लग रहे थे। तुमने कुछ और तो नहीं मांग लिया उनसे? तोहफा कर। मांगा कुछ नहीं, मुझे और जरबाप को साथ नाश्ता व देखकर उनके मुंह बन गए थे बस। माँ, मुझे भी यही लग रहा था। ये भी यकीनन तुम्हारा ही मनसूबा होगा, तुमने अपनी दोस्तों से कहा होगा कि मुझे स्टेज पे ले जाना। तो गलत क्या कहा, और आजकल का फैशन है ये, दूल्हा दुल्हन साथ में नाचते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें जरा मोहतात रहना चाहिए, जरबाप के घर वाले थोड़ा मुख्तलिफ हैं। अमीर जरूर हैं, मगर खानदानी हैं, सादा मिजाज के हैं। एक बार मेरी शादी हो जाने में इनके सारे पुराने ख्यालात को मैं डस्टबिन में डाल दूंगी। अम्मा, वो हक मेहर की रकम का कुछ तय हुआ? हाँ, मैंने जरबाप से बात की है, ज्यादा नहीं, बस 2 करोड़ का बोला है। मैंने कह रहा था रात को घर वालों से बात करूंगा फिर बताऊंगा। अम्मा, 2 करोड़ बहुत ज्यादा नहीं है? अरे कहाँ ज्यादा है, क्या हो गया तुझे, बावला तो नहीं हो गया? उनकी हैसियत के मुताबिक ही हक मेहर की रकम मांगी है मैंने। फैक्ट्री, पूरी फैक्ट्री संभाली हुई उस लड़के ने, अपनी बेटी को उसका हक ना दिलाऊं। पागल कहेगा। वो मान गए? अरे क्यों नहीं मानेंगे, मान जाएंगे। अभी जरबाब से बात की है, जरबाब कह रहा था घर वालों से बात करेगा, मान जाएंगे। देख लेना अम्मा, कहीं ज्यादा डिमांडों में शादी ना कैंसिल कर दें वो लोग। अच्छा बोल, वो अच्छा नहीं तो मतलब बात ही अच्छी कर ले।